इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी को लेकर एक नई रिपोर्ट ने तहलका मचाया है। OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स ने अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की एक नई सीरीज में कई दावे किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप कंपनियों ने साल 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयर्स को खरीदा था। OCCRP का दावा है कि उसने मॉरिशस के रास्ते हुए ट्रांजैक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को एक्सेस किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में सामने आया है कि कम से कम दो मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे और बेचे हैं। OCCR की रिपोर्ट में दो फॉरेन इन्वेस्टर्स नसीर अली शाबान अली और चांग चून लिंग का नाम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दोनों अडानी परिवार के लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर्स हैं। OCC ने यह दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चांग और अहली ने जो पैसा लगाया है वो अडानी परिवार ने दिया था, लेकिन रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ मेल झोल के साथ किया गया था। वहीं इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में अडानी के शेयर्स एक बार फिर से टूटना शुरू हुए। एक ही दिन में अडानी के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 30,000 करोड़ की गिरावट आई। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स करीबन 2% से गिरकर 2,400 के करीब आ गए। अडानी पोर्ट्स 1.5% से गिरकर 805 रुपए के करीब रहा। वहीं अडानी पावर 0.2% से गिरकर 322 रुपए करीबन रहा। क्या लगता है आपको, क्या फिर से होगा गौतम अडानी की कंपनी का डाउनफॉल? तो हमें कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर्सनल लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।